खुशी देगी। तो आज दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर आज पीएम मोदी नौशेरा पहुंचे हैं, जवानों के बीच दीपावली मना रहे, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे, और मुझे पक्का विश्वास है आप कहेंगे हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे ना। देखिए आप रिलैक्स हो जाइए, आप कोई आपको देखते नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा आप ये भी बताएंगे ना कि मिठाई भी बहुत खाई थी, नहीं बताएंगे तो बोलो ना। साथियों आज मेरे सामने देश के जो वीर है, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत माँ की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, किसी किसी को ही मिलता है, जो सौभाग्य आपको मिला है। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को, मैं देख रहा हूं आप संकल्पों से भरे हुए हैं, और यही आपके संकल्प, यही आपकी पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं, चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से, इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं, और हमारे यहाँ तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है, तो मैं आज
नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं। साथियों, जब मैं यहां नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहां की मिट्टी का स्पर्श किया तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया। यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है, हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है। यहां का वर्तमान, यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा वृत्त देख, वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जगन्नाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी है, अपने पराक्रम से लिखी है, अपने पुरुषार्थ से लिखी है, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। अभी मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी, ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था, वही मिजाज था और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान से आए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे थे। आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ न कभी रुका है न कभी झुका है, यही तो नौशेरा है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई,
वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले के सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिक टिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, नए हथियार नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी, ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे, यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो अब
स्पेशलाइज सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे थे, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को अति भारः, को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता, वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है। इसलिए आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी, अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है, आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। संगठित नेतृत्व एक्शन में बेहतर समन्वय आज बहुत जरूरी है। इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, यह हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था, ये आज देश के लोग आप सभी भलीभांति जानते हैं। अब आज लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक, हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्री तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पुल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है, सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है। साथियों, नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद
अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। साथियों, मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथाह सामर्थ्य के ही दर्शन नहीं होते, मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के, अडिग संकल्प शक्ति के और अतुलनीय संवेदनशीलता के। इसलिए भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है, उसकी एक अलग पहचान है। अब विश्व की शीर्ष सेनाओं की तरफ एक प्रोफेशनल फोर्स तो है ही, लेकिन आपके मानवीय मूल्य, आपके भारतीय संस्कार आपको औरों से अलग। तो नौशेरा से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। कोशिश प्रधानमंत्री हमेशा ये करते हैं कि दीपावली के मौके पर जो हमारे देश के जवान हैं उनके बीच में जाके दीपावली के पर्व को मनाएं, और आज भी वो नौशेरा में पहुंचे हैं सेना के जवानों के बीच में और संदेश यहां पर दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।